अंधेर नगरी चौपट राजा कहा जा रहा है, क्या अंधेर नगरी बन गई मिर्जा? देखिए, ये पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश का जन और प्रदेश का मन जानता है। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की धरती पर अपहरण, हत्या और फिरौती का उद्योग चलता था। प्रदेश की सरकार कैश, कास्ट, क्राइम और करप्शन के आधार पर सरकार चलाती थी। आतंकी, दुराचारी, बलात्कारी, देशद्रोही, देश के गद्दार, देश के दुश्मन मुख्यमंत्री आवास में शरण पाते थे, पूरा प्रदेश जानता था। बहुत बड़ा आरोप है, क्या इस बात की लड़ाई है क्या कि ज्यादा अपराधी कौन पाला? ज्यादा अपराधी भाजपा के अंदर है। आप इनके सांसद अतुल राय को देख लीजिए, सेंगर को देख लीजिए, जो बलात्कार के महिलाओं के साथ, उनको नहीं देख रहे लोग। ये लोग खुद भ्रष्टाचारी है, ये लोग खुद बलात्कारी है। इनके सांसद, इनके विधायक बलात्कारी है। इनके पार्टी के नेत्री गाजियाबाद में चकरा घर चला रही हैं। ये लोग तो ऐसा कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगाए हैं? अब भाषा की मर्यादा पार हो रही है। हालांकि नहीं, इस प्रकार की अगर बातें इस मंच से होंगी तो हमें लगता है ये अमर्यादित बात है। ठीक है, थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि दोनों ही लोग बोल रहे हैं कि सुरक्षा के मामले में फिसड्डी रहा है मामला, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, ये जो दोनों घटनाएं आप पूछ रहे हैं, महिला सुरक्षा पर और अपराध पर, ये दोनों ही सरकार कहीं न कहीं सरकारी तंत्र लिप्त था। और मैं देश और प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं मिर्जापुर की बात करूंगा। यहाँ पे अभी 6 महीने पहले एक बामी हत्याकांड हुआ, 3 निर्दोष अबोध छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि मछलियों ने आंख लोच लिया। इनके 2 सांसद है, बगल के एक भदोही के सांसद, एक सोनभद्र के सांसद है। आप उनका बयान उठा के देखिए, क्या लगता है कि ये सांसद का बयान है? तमाम आपराधिक घटनाएं मिर्जापुर में भी, अनगढ़ में एक महिला के साथ, एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ। और जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, हमारी प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के साथ जो वादा किया उसको निभाया। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 40% महिलाओं को हम राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे, उन्होंने सुनिश्चित कराया। और वहीं इनकी भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए 5 सीटें हैं मिर्जापुर में, एक महिला विधायक इनकी थी। चलिए इस पर जवाब, उस महिला विधायक का भी टिकट काट कर उस टिकट को 3 करोड़ में बेचने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने। ठीक है, चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पा रहे क्या मिर्जापुर? जी बिल्कुल नहीं मिल पा रहे। मेरा ये क्वेश्चन है, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि ये 80 और 20 की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो अगर ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो क्या ये जुमला माना जाए? 80-20 की बात थोड़ा समझा दें। ठीक है, ये जवाब आपसे लेंगे, बताइए। हम आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी से पूछना चाहेंगे कि मिर्जापुर में कौन सा वो कॉलेज है जहाँ इंटर के बाद 12वीं होती है, उसके वहाँ लैपटॉप मिलेगा? ठीक है, बताइए। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, मैं एक ब्राह्मण संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, उस हैसियत से 760 ब्राह्मणों की हत्या इनकी सरकार में हुई। और ये बतावा है कि इनके मंत्री के साथ पे ब्राह्मण के पिछवाड़े में डंडा डाल के मारा गया? देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, तो थोड़ा सभ्यता तो सीखिए, आपसे लोग सीखते हैं। रामपुर अतरी का घटना, मिर्जापुर के ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार का एकदम जीता जागता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके मंत्री के इशारे पर ब्राह्मण समाज के नौजवान को बेटा मारा गया? इस पर जवाब लेंगे, आपको जवाब देना होगा। ये बताएं कि महिला सुरक्षा पर बहुत सारी बातें, अभी अंगड़ में 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और यही महिला बैठी है पीछे, इन्होंने कहा कि हाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। इन्हीं से पूछिए कि अगर इनके घर की या अपने रिश्तेदार की बेटी होती तो क्या करते ये लोग।